अच्छा खाना नहीं चाहिए। अरे चाहता क्या है तू? पापा आई एम सॉरी, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा पापा। बस बस, तुझे क्या लगता ये उठक बैठक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? उन्होंने हम पे केस किया है, समझते हैं तू? तेरी कस्टडी का केस, और वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मालूम है? अगर वो जीत गए ना तो हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाएगा। दूर जाना चाहता तू? फिर क्यों गया वहां पे? पापा वो आनंद का फोन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं उससे मिलने चला जाता हूँ ये पूछने के लिए कि ये सब जो हो रहा है उसे पता है या नहीं। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की वहां जाकर। पापा आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो पापा। पापा आप बात क्यों नहीं कर रहे? पापा अगर आप बात नहीं करोगे ना तो मुझे रोना आ जाएगा। ठीक है क्या? ऐसे नहीं पापा, कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया, वरना मुझे लगेगा कि आप भी माँ के जैसे मुझे। बस चुप कर, अब माफ कर दिया। तू मेरा हिस्सा है, अगर तू मुझसे अलग हो गया ना जीते जी मर जाऊंगा मैं, समझते हैं तू? इसलिए डर लगता है मुझे कहीं तुझे मैं खो ना दूं, इसलिए डांटती हूं। बट प्रॉमिस आगे से नहीं डांटूंगा। तो वादा कर तू जब भी कहीं जाएगा मुझे बता कर जाएगा। पापा पापा मैं वादा करता हूँ मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्रॉमिस पापा। कोर्ट में मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी मत कर, और ना ही दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए मना करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को मार दूंगा। अब मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी अभय के बारे में कोर्ट में कुछ नहीं कह सकती। कुनाल अगर केस हार गए तो अपने दोनों बेटों को खो देंगे, और अगर केस जीत गए तो अभय दोनों आनंद को मार डालेंगे। नहीं, मैं अपने बेटों को कुछ नहीं होने दूंगी। अब एक ही रास्ता है, मुझे कुनाल को समझाना होगा कि वो मेरे आनंद की कस्टडी का केस भूल जाए, तभी अभय अपना केस वापस लेगा। ये आमने सामने की लड़ाई अब रुकनी होगी, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी।
मेरी भी आरती उतारी, मैं भी पापा के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। सीमा रहने दे, भगवान साथ देना दे, ये केस तुम्हें जीतना ही है ना। अरे ऐसा नहीं बोलते, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। हाँ माँ, वो तो मैं देखते आ रहा हूँ, भगवान के भरोसे रहना तो हो गया काम, अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। चल छोटे। अब पापा एक मिनट। अब क्या हो गया? एक मिनट पापा। अरे जल्दी करना। हे भगवान जी, पापा को माफ कर देना, वो परेशान थे इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया, पर भगवान जी आप उनका साथ देना और आप अपने प्रूव भी करना कि आप जो भी करते हैं बच्चे के लिए करते हैं। प्लीज भगवान जी उनका दिल मत तोड़ना। चलो पापा। चल चल। एक मिनट, आपके माथे में कुछ लगा? क्या? एक मिनट मैं निकाल रही। निकल गया? हाँ। अच्छा माँ चलते हैं। हम भी चलते हैं माँ। हाँ तू सामान वामान उठा ले। केस शुरू होने वाला है, मुझे कुणाल से बात करके उन्हें इस केस को लड़ने से मना करना होगा। वो पीछे नहीं हटे तो पता नहीं अभय क्या करेंगे। बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, परिस्थिति कुछ भी हो कॉन्फिडेंट हमेशा होता हूँ। अभी टाइम है केस वापस ले लो। जब भी मैं लोगों से अच्छे से बात करता ना तो लोग उसे मेरी कमजोरी समझते हैं। गुड लक गाइस, द ग्रेट कुणाल चोपड़ा को तो गुड लक की जरूरत नहीं। तो सोचा आप सबको विश करना। अपनी विशेष अपने पास रखो अभय, जब दलीलों और सबूत से काम नहीं चलेगा तो विशेष काम आएंगे।
कुणाल, आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या बोलना चाहते हैं? कि ये केस मैं वापस ले लूं, आनंद की कस्टडी तुम्हें और अभय को दे दूं? हर किस्म नहीं कुणाल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आनंद हमेशा आपके पास रहे। कुणाल, मैं ये केस भी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये केस डिसमिस हो जाए ताकि हम दोनों के आनंद हम दोनों के पास रहे। मैं जानती हूँ आप आनंद से कितना प्यार करते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आनंद आपके बिना जी नहीं सकता। कुणाल प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए। तुम्हारी बातों का यकीन कर, मजाक कर रही हो तुम? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम मुझसे ये उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारी बातों का यकीन करूं? तुम पे भरोसा करूं? जो तुम चाहती हो कभी नहीं होगा, अब वही होगा जो मैं चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि तुम आनंद के कितने करीब हो, लेकिन हाँ, तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल रहा है कि तुम्हें उसे खोने का डर है। और सिद्धि देवान, यही तुम्हारी सजा है। मैं चाहता हूं कि तुमको भी पता चले कि किसी की याद में रहना कितना मुश्किल होता है, और उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है जब वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है और फिर धोखा देकर चला जाता है। जो खेल तुमने शुरू किया था, अब मैं उसे खत्म करूंगा। जाकर अभय देवान से बोल दो, जितना पैसा है ना लगा ले, जितनी पावर है लगा ले, मगर मैंने जो हाथ अपने बेटे की तरफ बढ़ाया है वापस नहीं लूंगा। कुणाल प्लीज, आप बीच में अपना ईगो मत लाइए। मैं मेरी ईगो नहीं सिद्धि, मेरी ईगो नहीं है, मेरे बेटे के लिए मेरा प्यार और तुम्हारे लिए मेरी नफरत है। हाँ, और जब तक मैं तुमसे सब कुछ छीन ना लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। इतना रोना है रो लो, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें कुणाल से अलग नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो जाए तुम कुणाल के साथ रहोगे। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी, तब तक नहीं हटाऊंगा। पागल हो गए क्या? इसे मेरा पागल बनूंगा, मेरी इज्जत को या आनंद के लिए मेरा प्यार। तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ रहोगे कि नहीं। इसे मेरी वार्निंग समझो, और कोर्ट में मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना, और ना ही दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए मना करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को मार दूंगा। नहीं, ये नहीं। कुणाल, चीज़े बोलो क्या? कुणाल, मुझे पता चला कि सिद्धि ने आनंद की कस्टडी के लिए तुम्हारे खिलाफ केस फाइल किया है, और उसके लॉयर मेरे डैड हैं। कुणाल, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला, मैंने डैड को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो जानते हो ना मेरे डैड को, वो कभी भी बट यू डोंट वरी कुणाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी कुणाल। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये केस तुम्हें जीतोगे। सिद्धि ने तुम्हें दुख पहुंचाया है ना कुणाल, अब तुम देख, वो कभी भी खुश नहीं रहेगी। बोल लिया, कुछ और बोलना बाकी है बोल दो। कभी तो मेरी सुन लिया करो कुणाल, मेरे डैड तुम्हारे अगेंस्ट, मैं नहीं, मैं तो इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तुम्हें हेल्प करना चाहती, तुम्हें सपोर्ट देना चाहती। नहीं चाहिए तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हें और तुम्हारे डैड को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि समझ नहीं पाऊंगा कि अभी को तुम्हारे डैड का नाम किसने सजेस्ट किया होगा? इतना बेवकूफ लगता हूँ मैं?
प्लीज अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास रखो। मुझे अपने बेटे के लिए केस करना है। तुम जितनी तकलीफ मुझे दोगे उतनी ही तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। मेरी बात ना माना तुमने अपनी हार और भी पक्की कर ली है। ये केस अब तुम ही हारोगे और इसके जिम्मेदार भी तुम ही होगे गुनाह। सीमा मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं चल रहा क्या होने वाला है। बुरे बुरे से ख्याल आ रहे हैं सीमा। माँ सब अच्छा होगा, परेशान मत होइए। क्यों चिंता कर रही हैं? चिंता कैसे नहीं करूं, मेरा आनंद अगर मुझसे अलग हो गया मैं नहीं जी पाऊंगी। माँ आनंद कहीं नहीं जा रहा है, आपको कुणाल भैया पे भरोसा नहीं? कुणाल पर भरोसा है, अपने किस्मत पर नहीं है। ये कब कौन सा दिन दिखा दे कुछ पता नहीं। कहाँ जा रही है? सिद्धि से बात करने। कोई फायदा नहीं है, जब उसके लिए कुणाल भैया मायने नहीं रखते तो वो आपकी बात क्यों सुनेगी? सुनेगी, जरूर सुनेगी। माफ कीजिए, मैं सिद्धि से बात कर सकती हूँ? 2 मिनट। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ सुनाने नहीं आई। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ सिद्धि। हमें माफ कर दो सिद्धि। मैंने बहुत कोशिश की हिम्मत रखने की, लेकिन बार बार कमजोर पड़ जाती हूँ। पर पता है आज मुझे सबसे ज्यादा हैरानी किस बात की हो रही है कि एक औरत नहीं, एक औरत को कमजोर बना दिया। तुम तो खुद एक माँ हो, फिर कैसे सिद्धि? सिद्धि मैं हार गई। मैं आज ये फैसला नहीं कर रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, मैं बस अपनी हार मानती हूँ। तुमने जो भी फैसले लिए हैं ना, वो उन्हें मैं सर माथे से लगाती हूँ। वो ठीक है सिद्धि, तुमने कुणाल को छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, हमारे साथ ये सब कर रही हो, लेकिन मैं सबके लिए मैं माफ करती हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं जब तक जीऊंगी ना, मैं हर पल तुम्हारे लिए सिर्फ दुआएं मांगूंगी। मैं रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी सिद्धि, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ एक चीज चाहिए, मेरा आनंद मुझसे मत छीनो। सिद्धि वो मेरा पोता नहीं है, मेरा बेटा है। अगर वो हमारे परिवार से चला जाएगा ना, हम नहीं जी पाएंगे। वो हमारे लिए सब कुछ है, उसे मत छीनो सिद्धि। तुम्हारे सामने हाथ छोड़ती हूँ, हमें हमारी जिंदगी बख्श दो, हमारे आनंद को हमसे मत छीनो।